Hello everyone, once again welcome to all of you on our RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series पे. तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अगेन टारगेट रहेगा ESIC के ऊपर, ठीक है. और साथ में जो है SGPG RML की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट NORSET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट है. उनके लिए क्यों है, क्योंकि पढ़ तो हम यहाँ पे नर्सिंग सिलेबस ही रह रहे हैं, ठीक है. MCQs आपके वही हैं और बट यहाँ पे जो हम सेशन करवा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पे आपको सबको सॉल्व करवाए जा रहे हैं. हाई यील्ड MCQs हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं. तो आज की जो क्लास रहेगी वो नॉर्मल MCQs अपन रखेंगे, ठीक है. सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई का अपना आज का सेशन नहीं रहेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर जो है हम नॉर्मल MCQs रखेंगे जिनमें चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा. तो काफ़ी अच्छी क्लास रहने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगेगी, ठीक है, फॉर श्योर. जो भी नए एड हुए हमारे सेशन में तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिए जाए, ताकि जो है हम यहाँ पे जो है MCQs तो सोल्व करवा रहे हैं, डेली क्लासेस तो ले ही रहे हैं. साथ में क्या है, हम यहाँ पे जो है डेली इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करते रहते हैं वैकेंसीज के रिगार्डिंग, कोई रिजल्ट आया उसके रिगार्डिंग, एग्जाम कोई पोस्टपोन्ड हुआ उसके रिगार्डिंग, नर्सिंग से रिलेटेड केवल और केवल नर्सिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. प्लस आपका जो यहाँ पे प्रिपरेशन तो हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करवा ही रहे हैं. तो इसी के लिए आप सभी को जो है बिना सब्सक्रिप्शन किए नहीं जाना है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को. फर्स्ट MCQ है अपना, ए पेशेंट इज ए 78 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ माइल्ड क्रॉनिक हार्ट फेलियर. वो एडमिट है पेशेंट, उसका डायग्नोसिस क्या है, माइल्ड क्रॉनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है. द नर्स एक्सपेक्ट, अब नर्स कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है टू हियर व्हेन लिसनिंग टू क्लाइंट्स लंग. अब यहाँ पे नर्स कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ लिसन करने के लिए क्या एक्सपेक्ट करेगी, जब वो लंग्स को यहाँ पे क्या करेगी, लिसन करने की कोशिश करेगी, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि पेशेंट में अगर क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है तो लंग्स में जो है क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी. स्ट्राइडर मिलेगा आपको, क्रैकल्स मिलने वाला है, वीजीज मिलने वाला है या फिर फ्रिक्शन रब मिलने वाला है. क्रोनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, लंग्स उसके नर्स जो है उसके लंग्स को ऑस्कल्टेट कर रही है, यहाँ पे लिसन कर रही है, तो कौन सा आपको साउंड सुनाई मिलेगा, फिर कौन सा फाइंडिंग आपको यहाँ पे नर्स एज ए नर्स आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा. तो देखिए सिंपली अगर मीनिंग आपसे पूछे कि हार्ट फेलियर का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हार्ट फेल्स टू मेंटेन नॉर्मल कार्डियक आउटपुट. तो यहाँ पे जो है नॉर्मली एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट को यहाँ पे हार्ट जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के जो पेरिफेरल रीजन है या फिर जो मेजर वाइटल्स ऑर्गन्स है वहां तक जो है ऑटो नहीं पहुंचेगा और पेशेंट में जो है साइन सिम्टम्स यहाँ पे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे. तो अब देखिए हार्ट फेलियर के दो कॉज हो सकते हैं, मेजरली कॉज का हम देखें तो राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है और लेफ्ट साइड हार्ट फेल होता है. तो अब इनके जो साइन सिम्टम्स है दोनों के साइन सिम्टम्स यहाँ पे अलग अलग रहेंगे. तो बस याद इतना रखना कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो होता है उसमें जो है आपको सिस्टेमिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, मोस्टली सिस्टेमिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. और लेफ्ट साइड जब हार्ट फेल होता है तो उसके अंदर जो है स्पेशली लंग्स से रिलेटेड आपको जो है साइन सिम्टम्स आपको मेजरली देखने को मिलेंगे. सिस्टेमिकली ये अफेक्ट करेगा बट मेजर आपको पता लगेगा तो लंग्स को यहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट करता है अगर लेफ्ट साइड होता तो. अब राइट साइड जब हार्ट फेल होगा तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स आपको मिलेंगे, जस्ट हम सिंपल ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसा होता है. तो राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा, देखिए पेरिफेरल एडिमा होगा. नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट का जो एडिमा होगा तो वेट गेन रहेगा उसके अंदर, ठीक है. जुगुलर वेन के अंदर जो है डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, जो नेक के पास में जो वेसल्स है जुगुलर वेन उसके अंदर यहाँ पे डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है. और यहाँ पे असाइटिस रहेगा, हम इसको कह सकते हैं एब्डोमिनल ग्रोथ होगा यहाँ पे, ठीक है. हिपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, मतलब सिस्टेमिक साइन सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर. अब अगर यही अगर
लंग्स अगर यहाँ पे अफेक्ट, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इफेक्ट होगा तो क्या साइन सिम्टम कौन से आएंगे, लंग्स यहाँ पे मेजरली इफेक्ट होगा तो लंग्स में सबसे पहले क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा रहेगा तो लंग्स में साउंड के साथ आंसर मिलेगा आपको क्रैकल्स। बस इसी को समझाने के लिए मैंने आपको इतना यहाँ पे समझाया, यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, क्रैकल्स। ठीक है, बस इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा यहाँ पे इतना यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। आपको अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, फिर से नेक्स्ट कभी एमसीक्यू आएगा तो फिर से इसको समझा देंगे। इसके अलावा और कौन सा और क्या आपको मिलेगा, आपको पिंक पिंक फ्रोजी ब्लड टिंक्ट यहाँ पे जो है स्पुटम देखने को मिलेगा पेशेंट का, और एडिमा है तो क्या होगा, ऑर्थोपनिया की शिकायत होगी। देखो साइन सिम्टम्स क्या है, हमेशा बस डिजीज समझ लो क्या है, डिजीज के समझने के बाद में साइन सिम्टम्स जो है ऑटोमेटिकली अपने आप याद रहने लग जाते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि राइट साइड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो आंसर क्या रहेगा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यहाँ पे कॉमन कोज रहेगा। इसके अलावा और हाइपरटेंशन भी कौन सा हाइपरटेंशन, आंसर क्या रहेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इसलिए हमेशा जब भी हार्ट फेल होता है तो सबसे पहले कौन सा साइड का होता है, लंग्स, लंग यहाँ पे लेफ्ट साइड का होगा, ये लंग्स को करेगा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, फिर ये जो हाइपरटेंशन है ये राइट साइड हार्ट फेलियर भी कोज करवा देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कैन कोज राइट साइड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट यहाँ से ये भी एमसीक्यू बनता है कि इसके डायग्नोसिस क्या क्या होंगे, तो डायग्नोसिस क्या कराओगे आप, बीएनपी करेंगे, क्या होता है ब्रेन टाइप नेट्रियोटिक पेप्टाइड यहाँ पे रहेगा, ठीक है बीएनपी करेंगे, इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे सीवियरली हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे ईसीजी करा सकते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वगैरह को आगे देखने के लिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कौन सा होता है वो स्वान गेंज कैथेटर। ठीक है, ये सारा फंडामेंटल का अपना टॉपिक आ गया, वहां तक नहीं जाएंगे, एमसीक्यू तक ही रहेंगे। आंसर क्या रहेगा अपना, क्रैकल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए एक एमसीक्यू लास्ट में बताऊंगा आपको इस पल्मोनरी एडिमा से रिलेटेड, अगर कोई पेशेंट है पल्मोनरी एडिमा का है उसको कैसे मैनेज करना है। बार बार आता है, आता रहता है, एमसीक्यू रिपीट भी होता है। तो अगर किसी का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं हो तो प्लीज साथ में मेरे नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए तो पल्मोनरी एडिमा जो है वो एक प्रकार का इमरजेंसी कंडीशन होता है पेशेंट के लिए, अगर वो एक्सेसिवली यहाँ पे बिल्ड हो चुका है तो। ठीक है, लंग्स के अंदर फ्लूड का बनना पल्मोनरी एडिमा कहलाता है। अब ये जो है इसके साइन सिम्टम्स कैसे आते हैं, एक तो ये सडन भी हो सकता है, ठीक है, और इमरजेंसी होगा वो कौन सा होगा, सडन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे आपको जैसे क्या होगा, डिस्निया होगा पेशेंट को, ठीक है, इस प्रकार के साइन सिम्टम्स आएंगे, चेस्ट पेन रहेगा, प्रोराइटिक चेस्ट पेन रह सकता है। आपको क्या पूछेगा, नर्सिंग केयर क्या देनी है यहाँ पे, और नर्सिंग क्या यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है, नर्सिंग केयर क्या देनी है। सबसे पहले आंसर क्या करना है कि हेड ऑफ द बेड कितना रखना है इस कंडीशन में, 45 डिग्री से ज़्यादा रखना है हमेशा यहाँ पे, जब पल्मोनरी एडिमा होता है तो हेड ऑफ द बेड यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में अगर सेमी फॉलर फॉलर और ऑर्थोपेनिक पोजीशन पे भी हम यहाँ पे जो है करेक्ट कर सकते हैं। O2 यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, पुश करेंगे किसको, फ्रूसोमाइड को, किसके साथ में करेंगे, मॉर्फिन के साथ में। ठीक है, प्लस और क्या देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव आयनोट्रॉप्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वो जो है वो हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना है, एंड सोडियम, सोडियम को यहाँ पे नहीं देना है, और यहाँ पे फ्लूड जो है रेस्ट्रिक्शन रखना है, या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको फ्लूड बताए तो वो यहाँ पे काम में लेना है। तो देखो इसका एक यहाँ पे मिनोमिक बन रहा है, यहाँ पे हेड ऑफ द बेड से हम ले लेंगे एच को, ओ से ले लेंगे ओ को, पी से ले लेंगे पुश से हम क्या ले लेंगे पी को, और ई एंड से ले लेंगे ई को। तो होप नेमोनिक अपना यहाँ पे बन रहा है किसका, पल्मोनरी एडिमा के अंदर आपको जो है ट्रीटमेंट करने के लिए।
तो अपने इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, क्रेकल्स। अगर क्रेकल्स के की जगह अगर रेल्स होता ऑप्शन में, वो क्रेकल नहीं होता, तो वहाँ पे हम यहाँ पे रेल्स को करेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो या तो क्रेकल्स या फिर रेल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, पैट्रिक हु इज हॉस्पिटलाइज फॉलोइंग ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आस्क द नर्स वाई ही इज टेकिंग मॉर्फिन। अब यहाँ पे एक पैट्रिक एक पेशेंट है जो क्या हॉस्पिटलाइज हुआ है, कंडीशन क्या थी उसके मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की, और वो नर्स से पूछ रहा है कि उसको यहाँ पे मॉर्फिन क्यों दी जा रही है। द नर्सेज एक्सप्लेन दैट मॉर्फिन। अब ये मॉर्फिन क्या करेगी, नर्स क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी, यहाँ पे डिक्रीज एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस को कम करेगी, प्रिवेंट शॉक एंड रिलीव पेन, डायलेट कोरोनरी ब्लड वेसल्स, या फिर हेल्प्स प्रिवेंट फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट। तो देखिए पेशेंट को कंडीशन क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन है, एमआई का पेशेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसका मैनेजमेंट करना होता है हमें, और यहीं से आपका एमसीक्यू बना है। ये क्या बना है कि इसको यहाँ पे मॉर्फिन क्यों दी जा रही है। तो देखिए मैनेजमेंट का इसका भी एक जो है यहाँ पे मेनोमिक होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, मोना। तो एम से क्या होता है, एम से होता है मॉर्फिन, ओ से क्या होता है ऑक्सीजन, एन से क्या होगा नाइट्रोग्लाइसरीन, एंड ए से क्या होगा एसिटाइल सिलिसिलिक एसिड। या फिर एस्पिरिन। तो ये यहाँ पे इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान रहता है अर्ली के अंदर, अर्ली पीरियड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये मॉर्फिन यहाँ पे क्यों देना है आपको, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, मॉर्फिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है पेशेंट को किससे, शॉक से, और पेन को यहाँ पे क्या करता है, रिलीव करता है। इसलिए यहाँ पे मॉर्फिन इंपॉर्टेंट है। तो देखो मॉर्फिन क्या करेगा, एक तो ये पेन को सबसाइड करेगा, रेस्टलेसनेस कैसे कम होगी, ठीक है, एंजाइटी कम होने से, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा और ये क्या करेगा, वेजोडायलेटर का भी एक्ट करेगा, और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा वर्कलोड को, किसके वर्कलोड को, हार्ट के वर्कलोड को, जिसकी वजह से ये क्या है एक प्रकार से काफ़ी अच्छा FDA अप्रूव्ड ड्रग माना जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी देना है। कितना दोगे, तो 2 to 4 liters पर मिनट आपको जो यहाँ पे ऑक्सीजन देनी होगी। नाइट्रोग्लाइसरीन आप सभी को पता है क्या कोज करता है, वेजोडायलेशन कोज करता है, ठीक है। इससे जो है इसके भी साइड इफेक्ट आते हैं, ठीक है, हेडेक वगैरह होना, ठीक है, फ्लशेज वगैरह होना, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और इनको जो है अपने डार्क बोतल के अंदर, डार्क ब्राउन बोतल के अंदर इसको हमें रखना है। तो ये सब चीज़ें नाइट्रोग्लाइसिन मेडिसिन से रिलेटेड सभी को पता होनी चाहिए। इसके बाद में एसिटाइल सिलिसिलिक एसिड, तो ये यहाँ पे एस्पिरिन क्यों देंगे, एस्पिरिन देते, एस्पिरिन क्या प्रिवेंट करेगा, ये एमसीक्यू पूछा रहता है। तो इट प्रिवेंट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। तो ये एस्पिरिन क्या प्रिवेंट करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है। अब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन, और प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है तो क्या होगा, आर्टरीज के अंदर हम कह सकते हैं इसको आर्टरियल कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, एग्रीगेशन होगा तो आर्टरीज के अंदर भी क्या होगा, उसके जो डायरेक्शन के अंदर आके प्लेटलेट जमा हो जाएगा, तो उसका जो वो उसका जो उसका जो नॉर्मल डायमीटर है अंदर का वो यहाँ पे नेरो हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्लॉटिंग वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए जनरली हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, एस्प्रिन वगैरह। तो ये सब सारा इसमें जो है अर्ली मैनेजमेंट का बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम हम मोना यहाँ पे देंगे पेशेंट को, ऐसा नहीं है। अब देखिए बाकी की, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिक्रीज एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। तो देखिए एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस के लिए कम करने के लिए मैंने आपको लास्ट जब अपना सेशन था तो मैंने आपको एक ड्रग के बारे में बताया था, कौन सी ड्रग, बेंजोडाइजिपिन्स। तो ये तो कौन कम करेगा, बेंजोडाइजिपिन कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए डायलेट कोरोनरी ब्लड वेसल्स, तो ये कौन करेगा,
कोरोनरी ब्लड वेसल्स को डायलेशन का काम कौन करता है? तो डायलेट करेगा कौन, एक तो जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन हो गया, ये डायलेट कर देगा। दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये डायलेट कर देंगे इनको आके, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आपसे मॉर्फिन का पूछा है, इसलिए नेक्स्ट देखिए, हेल्प प्रिवेंट फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट। अब फिब्रिलेशन कौन यहाँ पे प्रिवेंट करेगा, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स या फिर एंटीप्लेटलेट। अब वो भी यहाँ पे एंटीप्लेटलेट कौन है, यहाँ पे एस्पिरिन हम कैसे मान सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटी रहती है इसकी। तो एस्पिरिन वाज द फर्स्ट एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस यूज फॉर द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो समझ चुके होंगे, अलग अलग यहाँ पे ड्रग का अलग अलग काम है, बट मॉर्फिन का एक ही काम है, शॉक से प्रिवेंट करेगा, और मेजर फंक्शन क्या है इसका, पेन से रिलीव करना। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट द साइन ऑफ डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी। डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स आपके आपको पूछा गया है, इंक्रीज एपेटाइट, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्किन रेस ओवर द चेस्ट एंड बैक, विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज सीइंग येलो स्पॉट, जेंथोस्पिया। कौन कौन से साइन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन नंबर वन क्या बोल रहा है, इंक्रीज एपेटाइट। तो जब डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी होती है तो वहां पे एपेटाइट नहीं होती है, ठीक है, क्या होता है, एनोरेक्सिया। और क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा तो क्या होगा, वेट के अंदर लॉस देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर वन तो हम आराम से एक्सक्लूड कर देते हैं। और क्या होगा साथ में, मेलाइज होगा, हेडेक होगा, इंसोमनिया हो सकता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, जीआई सिस्टम में अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि फर्स्ट एमसीक्यू जीआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, तो आपको पता है डिजिटलिस क्या करता है, तो डिजिटलिस क्या करता है, टॉक्सिसिटी के अंदर क्या करेगा, हाइपोटेंशन करेगा, ना कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा, कोज करेगा हाइपोटेंशन। और क्या कराएगा ये, ब्रेडिकार्डिया कोज कर सकता है, ठीक है, एरिथमियाज कोज कर सकता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कोज कर सकता है। तो इस प्रकार के साइन सिम्टम्स इससे आ सकते हैं। स्किन रेसेस ओवर द चेस्ट एंड बैक, तो ये भी यहाँ पे इसका साइन नहीं है, स्किन रेसेस यहाँ पे नहीं होते हैं। लास्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज सींग येलो स्पॉट, ये यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा अपना। और ये किसके बारे में बताता है आपको, कि यहाँ पे जो है डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, ठीक है, अननेसेसरली जो है इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे पॉइजनिंग हो चुकी है, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, ठीक है। तो अगर येलोविश स्पॉट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको विजन में, तो ये इसका जो है कंफर्म साइन है टॉक्सिसिटी का। और एक बात ये भी ध्यान में रखना कि डिजिटली जब आप दे रहे हो तो आपको जो है पोटेशियम का लेवल जो है आपको पता रखना होगा, पोटेशियम को लेवल को मॉनिटर करना होगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी होने के बाद में क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन हाइपोकैलेमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया कैन मेक वन मोर प्रोन टू टॉक्सिसिटी, ठीक है। अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो रहा है और हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, तो वहां पर जो है टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो है ज्यादा होंगे, ठीक है, और टॉक्सिसिटी होने के बाद में क्या होगा, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। और पेशेंट में देखो यहाँ पे देंगे किसमें, हार्ट फेलियर के पेशेंट में देंगे, बॉडी में एडिमा होता है, ठीक है, तो एडिमा से, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करेंगे, तो कौन सी ड्रग देते हैं, फ्रूसामाइड ड्रग देंगे हम। फ्रूसामाइड क्या कराएगा, डायुरेटिक है, ठीक है, पोटेशियम को यहाँ पे क्या कर सकता है, अल्टर करेगा, कम करेगा, जिससे क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपोकैलेमिया फिर यहाँ पे क्या कोज कर देता है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कोज करवा देगा, ठीक है, क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर हम क्या देंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए डिजॉक्सिन देते हैं। तो देखो हर एक चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो इसी तरह हमें क्या करते रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। इसके अलावा देखिए
टॉक्सिसिटी अगर होती है तो इसमें कुछ मेडिकेशंस भी, इनका भी रोल रहता है मेडिकेशंस का टॉक्सिसिटी करवाने में। तो देखिए, फर्स्ट वन डायूरेटिक्स, सेकंड वन अमायोडोरन, थर्ड वन मैक्रोलाइड्स एंड फोर्थ वन बारबिट्यूरेट, सॉरी फोर्थ वन क्या है, बेंजोडाइजिपिन्स। इन सब से क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी का लेवल जो है वो बढ़ सकता है और टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। नर्स त्रिशा टीचेज ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर टू टेक ओरल फ्रूसामाइड इन द मॉर्निंग, द रीजन फॉर दिस ड्रग इज टू हेल्प। अब यहाँ पे देखिए, हार्ट फेलियर का पेशेंट है अगेन, और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन किया गया है ओरल फ्रूसामाइड ड्रग का। अब द रीज़न फॉर दिस इज टू हेल्प, अब यहाँ पे वो इसका रीज़न जानना चाह रही है कि उसका रीज़न क्या होगा। तो रिटार्डेड रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएट एक्सेसिव फ्लूइड एक्युमुलेशन एट नाइट, प्रिवेंट स्लीपिंग डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग नाइट, या फिर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। तो देखिए, जो फ्रूसामाइड है या फिर जो डायुरेटिक्स है, ये क्या करेगा, बॉडी से जो है यूरिन को जो है एक्सेसिवली बाहर निकालेगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए, अगर किसी पेशेंट को नाइट टाइम के अंदर आपको ये मेडिकेशन दे दी गई है, तो उसका तो फंक्शन है कि ये क्या करेगा, यूरिन आउटफ्लो को बढ़ाएगा, ज़्यादा उसको यूरिनेट करना पड़ेगा पेशेंट को। तो नाइट टाइम में देंगे तो उसका जो है स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए इसको कब दिया जा रहा है, देखिए मॉर्निंग में दिया जा रहा है। अब देखो, आप सभी को पता है कि एक्सक्रिएट करेगा एक्सेसिव फ्लूड को, बिल्कुल सही है भाई, एक्सक्रिएट करने के लिए आपको दी जा रही है, बट क्वेश्चन में आपको स्पेशली पूछा है कि मॉर्निंग में ही क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में देने का मेजर रीजन क्या है, यहाँ पे प्रिवेंट स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग नाइट। अब नाइट में होने वाले एक्सेसिव यूरिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कब देंगे, मॉर्निंग में देंगे। तो जो एक्सेसिव यूरिनेशन है वो कहाँ पे होगा, मॉर्निंग में होगा, डे टाइम में होगा, इसलिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा पेशेंट के लिए, ताकि उसका जो है स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब यहाँ पर नहीं होगा। फ्रूसामाइड इनहिबिट किसको करता है, ये भी देख लीजिए, इट इनहिबिट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को क्या क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट किसको करेगा, सोडियम एंड क्लोराइड को, प्रोक्सिमल डिस्टल ट्यूबल्स पे भी काम करता है। ठीक है, एज वेल एज थी असेंडिंग लूप का भी काम करता है, लूप ऑफ हेनले से भी इनिबिट करेगा किसको, सोडियम क्लोराइड के। ठीक है, तो यहाँ पे उनको क्या करेगा, एक्सक्रिएट करेगा वाटर के साथ में, तो सोडियम भी एक्सक्रिएट होगा, क्लोराइड भी एक्सक्रिएट होगा, मैग्नीशियम भी एक्सक्रिएट होगा, कैल्शियम भी एक्सक्रिएट होगा, तो सब कुछ यहाँ पे बॉडी से जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो जो केमिकल्स है वो भी यहाँ से जो है बाहर चले जाएंगे। ठीक है, जो असेंशियल भी होते हैं, बट यहाँ पे फ्रूसामाइड दिया जा रहा है तो वो भी आपको ध्यान रखना, पोटेशियम का भी यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग कौन सा होता है, अलग डायुरेटिक है वो, ठीक है, बट अगर किसी में पोटेशियम की कमी होगी तो वहाँ पे कौन सी डाइट देंगे, डायुरेटिक, वहाँ पे फ्रूसामाइड नहीं देंगे, क्योंकि वो तो और ज़्यादा करवा देगा, इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलिए सब लोग मुझे कॉमेंट्स में करके बताएंगे कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक कौन सी होती है। ठीक है, ऐसे आप लोग बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते हो, ठीक है, एटलीस्ट कुछ कमेंट्स तो आएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक कौन सी होती है, आपको जरूर मुझे कमेंट्स में बताना है, अगर कोई बताना चाहे तो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। व्हाट वुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ थेरेपी फॉर ए क्लाइंट विथ पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर। अब एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है, तो इस कंडीशन में उसके लिए प्राइमरी गोल ऑफ थेरेपी क्या रहना चाहिए। एनहेंस कम्फर्ट, कम्फर्ट को हम अच्छा करेंगे उसके लिए, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस, या फिर पेरिफेरल एडिमा को डिक्रीज करेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा ही है यहाँ पे, हार्ट फेल हो रहा है मतलब कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, तो कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है जिसकी वजह से लंग्स के अंदर भी फ्लूड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, वो और ज़्यादा इंक्रीज ही होना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे।
तो प्राइमरी गोल क्या रहना चाहिए, किसी पेशेंट का पल्मोनरी एडिमा हो रहा है और हार्ट फेलियर हो रहा है तो टू मेंटेन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे कुछ का होगा इम्प्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस, बट यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी स्टेटस तब इम्प्रूव होगा जब कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव होगा। तो इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट होगा तो वो क्या होगा, लंग से जो है फ्लूइड एक्युमुलेशन हुआ है वो भी वहाँ से हटेगा, ठीक है। किडनी जो है एक्सेस यूरिन आउटपुट बाहर निकाल देगी, ठीक है, किडनी के पास में अच्छा फ्लो पहुँचेगा ब्लड का, तो ठीक है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें जो है आपको कन्फ्यूज नहीं करनी चाहिए। रेस्पिरेटरी स्टेटस भी होगा बट जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी स्टेटस जो उसका पेशेंट का अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हेड इंजरी एंड मॉनिटरिंग द क्लाइंट विद डी सेरेब्रेट पोस्चरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ पोस्चरिंग। ठीक है, हेड इंजरी हुआ है किसी पेशेंट में, नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट में क्या कौन सी पोजिशन है, डी सेरेब्रेट पोजिशन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक। अब इस पोजिशन के बारे में आपसे पूछा कि इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक कैसा है डी सेरेब्रेट का। देखिए दो टाइप की होती है, चलो पहले ऑप्शन देख लीजिए। अपर एक्सट्रीमिटी में फ्लेक्शन विथ लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन, अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन, लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन द एक्सट्रीमिटी आफ्टर ए स्टिमुलस, या फिर फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटी आफ्टर स्टिमुलस। तो देखिए आराम से इसको आज मैं आपको यहीं पे याद करवा दूंगा, ठीक है, आराम से आपको बाद में लाइफ में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इस तरह से हम इन दोनों पोजीशन को देखेंगे। देखिए दो पोजीशन होती है, फर्स्ट वन इज डी सेरेब्रेट एंड सेकंड वन इज डी कॉर्टिकेट। जब हेड इंजरी होती है तो बेसिकली पेशेंट जो है दो पोजीशन जो यहाँ पे देखने को मिलती है हेड इंजरी में, ठीक है। तो अब देखिए डी सेरेब्रेट, अभी सेरेब्रेट के अंदर देखो याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, जस्ट याद रखने के लिए। सेरेब्रेट में क्या आ रहा है, ई वर्ड ज़्यादा आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, आर के बाद ई आ रहा है, ठीक है, फिर से टी के बाद ई आ रहा है, तो ई जो है लेटर वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब ई का मीनिंग यहाँ पे हम क्या मानेंगे, ई का मीनिंग मानेंगे एक्सटेंशन, ठीक है, ई का मीनिंग क्या मानेंगे हम यहाँ पे एक्सटेंशन मानेंगे, ठीक है। अब एक्सटेंशन किसका, एक्सटेंशन किसका, एक्सट्रीमिटीज का, और कब होगा ये एक्सटेंशन, जब हम यहाँ पे पेशेंट को स्टिमुलस देंगे तब। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, डिसरेबेट का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आफ्टर स्टिमुलस, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए डी कॉर्टिकेट, डी कॉर्टिकेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए डी कॉर्टिकेट में क्या आया, सी आया, ठीक है। तो सी से हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, सी से हम समझ सकते हैं सेंटर, तो सेंटर क्या, सेंटर तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर्म्स बेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है। देखो डी सेरेब्रेट पेशेंट की जो आर्म्स है वो कैसी रहेगी, एक्सटेंशन में रहेगी, ठीक है, ये उसका बॉडी है और उसकी जो आर्म्स है वो यहाँ पे एक्सटेंशन में रहेगी, और जो डी सेरेब्रेट वाला पेशेंट रहेगा उसकी यहाँ पे आर्म यहाँ पे इस तरह की रहेगी। तो यहाँ पे देखो ऐसी स्ट्रक्चर आपको मिल रही है, तो ये सी जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सी बना रहा है पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम याद रखने के लिए समझ सकते हैं कि डी सेरेब्रेट में क्या होता है एक्सटेंशन, उसके अपोजिट होगा क्या, डी कॉर्टिकेट। अब इन दोनों में ही हम एक लाइन को और ऐड करेंगे, ठीक है। देखो मेजरली डिफरेंस किसका है यहाँ पे, अपर एक्सट्रीमिटीज का, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज कैसी मिलेगी आपको, पेशेंट की रिजिड मिलेगी प्लस एक्सटेंडेड लेग, लेग्स कैसे मिलेंगे, एक्सटेंडेड मिलेंगे, और उसके अंदर पेशेंट के अंदर जो टॉयज है वो कैसे मिलते हैं आपको, पॉइंटेड। तो ये जो लाइन है दोनों में एड करनी है, जस्ट यहाँ पे अपर में डिससेरेब्रेट में क्या होगा, अपर एक्सट्रीमिटी यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, कॉर्टिकेट में जो है फ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है, ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, और इनकी जो आप यहाँ पे गूगल में इमेज देखोगे तो और अच्छे से आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू,
डॉक्टर ऑर्डर्स ए कंटिन्यूअस इंट्रावेनियस नाइट्रोग्लाइसरीन इन्फ्यूजन फॉर द क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। डॉक्टर यहाँ पे कंटिन्यू इंट्रावेनियसली यहाँ पे जो है नाइट्रोग्लाइसरीन इन्फ्यूजन के लिए बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसके लिए कंडीशन क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल नर्सिंग एक्शन? अब जब यहाँ पे नाइट्रोग्लाइसरीन इन्फ्यूजन चल रहा है तो कौन सा नर्सिंग एक्शन यहाँ पे मोस्ट एसेंशियल रहेगा? मॉनिटर यूरिन आउटपुट फ्रिक्वेंटली, मॉनिटर ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवर, ऑप्टेनिंग सीरम पोटेशियम लेवल डेली, ऑप्टेनिंग इन्फ्यूजन पंप फॉर द मेडिकेशन। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे? कौन सा नर्सिंग एक्शन यहाँ पे मोस्ट एसेंशियल रहेगा? तो देखिए, डॉक्टर्स ने ऑर्डर किया है कि ये पेशेंट को क्या करना है, कंटिन्यू यहाँ पे जो है नाइट्रोग्लाइसरीन इन्फ्यूजन देना है। तो देखिए, नाइट्रोग्लाइसरीन इन्फ्यूजन देने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? इन्फ्यूजन पंप होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी कॉमन एमसीक्यू है। तो ऑप्टेनिंग इन्फ्यूजन पंप फॉर द मेडिकेशन, तो कंटिन्यू तभी हम दे पाएंगे जब अपने पास में इन्फ्यूजन पंप होगा। अच्छे से वहाँ से जो है मेडिकेशन जितनी डिजायर डोज के अंदर है उतना ही यहाँ पे 1 आवरली हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते जाएंगे इन्फ्यूजन पंप से। और इसको जो नाइट्रोग्लाइसिन का इंजेक्शन है किसके अंदर मिक्सअप करेंगे? आंसर क्या रहेगा? 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। और ये हम कब देते हैं इंट्रावेनियसली? जब आपके आपका सब लिंगुअली आपने जो नाइट्रोग्लाइसिन दिया है उसका इफेक्ट जो है इतना अच्छा नहीं आया है, तो सिस्टम सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं हुआ उससे, ठीक है। तो इसलिए जो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं इसको, इसलिए क्या होना चाहिए, आपको जो टाइट मॉनिटरिंग करनी होगी अगर आप इसको आईवी दे रहे हैं तो। और वो टाइट मॉनिटरिंग कब हो सकती है? जब आप इसको अच्छे से प्रॉपर विथ इन्फ्यूजन पंप हम इसको जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। तो मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ पे जब एंटीरियर चल रहा है तो यहाँ पे जो नीड नहीं होता है आपका मॉनिटरिंग करना फ्रिक्वेंटली। ब्लड प्रेशर जो यहाँ पे एवरी 4 आवरली यहाँ पे बताया गया है कि मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाइपोटेंशन कोच करवा सकते हैं, वेजोडायलेशन होता है। बट आपको क्या पूछा है आपसे? मोस्ट असेंशियल नर्सिंग एक्शन। मोस्ट असेंशियल नर्सिंग एक्शन अपना क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्टेनिंग इन्फ्यूजन पंप फॉर द मेडिकेशन। मेडिकेशन चलेगी, प्रॉपर चलेगी, तभी तो ब्लड प्रेशर आप मॉनिटर करोगे आगे, ठीक है। बिना मेडिकेशन के ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का क्या सेंस यहाँ पे? तो सबसे पहले प्रायोरिटी अकॉर्डिंग हम बात करते जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, और यहाँ पे जो है आपको सीरम पोटेशियम का लेवल भी जो है डेली ऑप्टेन करने का नीड नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका हिपेटिक मेटाबॉलिज्म से ये जो है ड्रग यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, इसका मेटाबोलाइज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग द सेकेंड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द क्लाइंट आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम? जब सेकेंड डे अभी अभी है क्लाइंट का, कंडीशन क्या थी? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हॉस्पिटलाइज है, सेकेंड डे अभी चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहना चाहिए? एबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज विदाउट पेन, सीवियर चेस्ट पेन, कैन रिकॉग्नाइज द रिस्क फैक्टर ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कैन पार्टिसिपेट इन कार्डियक रिहैबिलिटेशन वॉकिंग प्रोग्राम। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी को हटा दीजिए, ठीक है। सेकंड डे है, अभी भी चेस्ट सीवियर पेन हो रहा है, तो क्या आपने हॉस्पिटलाइजेशन किया, क्या उसकी केयर की, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे चलिए अभी अपना करेक्ट आंसर सजेस्ट कर लीजिए सब लोग। तो देखो, जब MI का पेशेंट होता है तो पेशेंट को जो है मेडिकेशन तो यहाँ पे देनी ही है, जो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन करे। आपको क्या करना है कि एक तो उसको जो है प्रोवाइड करवाना है क्या, क्वाइट रूम, ठीक है। जो रूम होना चाहिए, क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके पास में, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, काम एक्टिविटीज होनी चाहिए उसके। आपको क्या करना है, कम्फर्ट मेजर्स पे आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सब कब होगा? जब पेशेंट जो है एबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ विदाउट पेन, पेशेंट में जो है पेन नहीं होगा, तभी जो है ये सब चीज़ें हम यहाँ पे अकम्प्लिश कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कम करना है, नहीं तो उसकी जो एंजाइटी है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ सकती है, कार्डियक स्ट्रेन हो सकता है, कार्डियक स्ट्रेस हो सकता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट MCQ,
नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आरएनसीसी की टीम की ओर से आप सभी को क्या दी जा रही है, यहाँ पे ईएसआईसी एग्जाम स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट रहेंगे, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन रहेंगे ऑल टॉपिक्स के ऊपर। जो यहाँ पे टॉपिक्स एग्जाम ने एग्जाम के सिलेबस में आपको बताए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमने क्या किया है, टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसका नाम क्या है, ईएसआईसी एग्जाम स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो इसके लिए आप हमारे सपोर्टिव कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको 24/7 आप कभी भी आराम से जब भी आपको टाइम मिले मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नंबर क्या है, 9588-56774 पे आपको जो है आंसर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा एक और हमारी एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आरएनसीसी की ओर से ईएसआईसी के लिए। इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू डेट्स हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे टोटल आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 97 आपको क्या मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आपको टेस्ट पेपर रहने वाले हैं, जिसमें 3 प्रीवियर ईयर टेस्ट मिलेंगे आपको, ईएसआईसी ओरिएंटेड एमसीक्यूज रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस सीरीज रहेगी, जो भी एग्जाम में आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, हाई ईल्ड एमसीक्यूज रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इनका चांसेस जो एग्जाम के अंदर आने का, डेली 1 लाइव टेस्ट रहेगा, मल्टीपल आंसरिंग अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एक बार अगर आप लाइव टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से उसको नहीं दे पाओगे, मल्टीपल टाइम्स तक आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, खूब सारे बच्चों ने एनरोल किया तो आपको एक आपकी रैंकिंग के बारे में पता लगेगा कि हाँ जो है इतने बच्चों में आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। इसके अलावा आपको क्या कर सकते हो, रैंकिंग से सेल्फ एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा, विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू के बाद में। इसके अलावा 67 इसमें क्या रहेगा, टॉपिक बेस्ड टेस्ट रहेंगे, जो ये इस प्रकार से यहाँ पे टेस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेट्स, ठीक है, 30 प्री ईएसआईसी एग्जाम टेस्ट रहेंगे, ठीक है, मेगा टेस्ट रहेंगे, ठीक है, 30 प्री ईएसआईसी एग्जाम मेगा टेस्ट रहेंगे, और ये जो है इसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, एग्जाम तक इसका वैलिडिटी रहने वाला है। सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, आप इन पे आगे फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए 68 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद ए राइट साइडेड ब्रेन अटैक, ठीक है, 68 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको क्या डायग्नोस हुआ है, राइट साइड में क्या हुआ, ब्रेन अटैक हुआ है, एंड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे एडमिट है, 68 ईयर ओल्ड पेशेंट है। इन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स शुड प्लान टू, अब यहाँ पे आप इसका आप इस इसकी पेशेंट की क्या कर रहे हो, केयर कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आपके प्लान्स होने चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक स्टोकिंग टू प्रिवेंट फ्लैसिड बाय मसल, यूज हैंड रोल एंड एक्सटेंड द लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी ऑन ए पिलो टू प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्शंस, यूज ए बेड क्रीडल टू प्रिवेंट डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फीट, डू पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है आंसर करने से पहले, सबसे पहले तो 68 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सेकेंड आपको ध्यान रखना है राइट साइड ब्रेन अटैक हुआ है, ठीक है, राइट साइड ब्रेन अटैक हुआ है, चलिए एनाटोमी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तब तक आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडमिट है हॉस्पिटल में तो आपका नर्स का बेस्ट प्लान क्या रहने वाला है, तो देखिए सबसे पहले क्या आंसर रहेगा अपना, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूज हैंड रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी ऑन पिलो टू प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्शंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना होगा पेशेंट को, ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइज भी करवानी होगी, दूसरा पैसिव एक्सरसाइज भी यहां पे जो है हमें करवाना होगा, ठीक है, कैसे करवाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो राइट साइड अटैक है तो साइन सिम्टम्स कौन से आएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में आएंगे, लेफ्ट साइड अटैक है तो कहाँ पे आएंगे, राइट साइड ऑफ बॉडी में आएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, हैंड रोल तो हम क्या करेंगे साथ में, देखो कॉन्ट्रेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या यहाँ पे लगाया, इसने हैंड रोल का यूज में लिया, यहाँ पे स्प्लिंट का भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है, और हम क्या करवाएंगे यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स मसल की, ग्लूटिस मसल्स की यहाँ पे एक्सरसाइजेस करवाएंगे, जो रबर बॉल होती है उसको स्क्वीजिंग कराएंगे उससे, ठीक है, फिंगर्स और लेग्स की जो फिंगर्स है उनको यहाँ पे एक्सटेंशन कराएंगे, ठीक है, इन सबसे क्या होगा, एक तो सर्कुलेशन प्रमोट होगा, मसल एट्रोपी नहीं होगी क्लाइंट में, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चर से प्रिवेंट होगा, और साथ में क्या होगा, हाइपर कैल्सी यूरिया जो कंडीशन होगी, ठीक है, पेशेंट अगर बेड पे पड़ा रहेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, हाइपर कैल्सी यूरिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है,
तो इन सब से भी जो है यहाँ पे प्रिवेंशन देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पे प्रॉपर उसे एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इसलिए तो नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आराम से हम इसको जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, नर्स लीजा इज असाइन टू केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैज रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर लेफ्ट नेफ्रोक्टोमी। नर्स लीजा जो है वो असाइंड हो चुकी है, एक केयर कर रही है एक पेशेंट को, जिसको क्या हुआ है नर्सिंग यूनिट में, अभी वो एक पेशेंट यहाँ पे रिटर्न हुआ है, क्या क्या किया गया उसके लेफ्ट साइड में, क्या कर दिया गया, नेफ्रोक्टोमी कर दी गई। नर्स लीजाज हाइएस्ट प्रायोरिटी वुड भी, अब यहाँ पर जो नर्स लीजा है उसकी हाइएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, ओवरली यूरिन आउटपुट यहाँ पे देखना, टेम्परेचर देखना, एबल टू टर्न राइट साइड टू साइड या फिर एबल टू सिप क्लियर लिक्विड। एकदम इजी एमसीक्यू है आज के अपने सेशन का, इजीएस्ट एमसीक्यू यही है। तो देखिए जब यहाँ पर नेफ्रोक्टोमी कर दी गई है तो अपना प्रायोरिटी क्या जाएगा, ओवरली क्या करना है, यूरिन आउटपुट को आपको क्या करना है, असेस करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, असेस करने का रीजन क्या है, असेस करने का रीजन ये है कि इससे हमें पता लगेगा कि जो सेकेंड किडनी है वो कितनी इफेक्टिवनेस से क्या कर रही है, वर्क कर रही है, कौन सी किडनी, जो सेकेंड या फिर जो रिमेनिंग किडनी है वो। और अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो हमें क्या पता लग जाएगा, रीनल फेलियर का। ठीक है, तो ओवरली यूरिन आउटपुट आपको जो यहाँ पे बेस्ट असेसमेंट करना है। ठीक है, रीनल फेलियर हो सकता है इमीडिएट आफ्टर सर्जरी। ठीक है, सेकंड किडनी के ऊपर सडनली जो है यहाँ पे उसका जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई उसकी यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि एक दो किडनी है। ठीक है, अभी काम क्या करना है, सिंगल किडनी को करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर वर्कलोड बढ़ेगा, तो एक्यूट किडनी फेलियर यहाँ पे देखने को मिल सकता है आफ्टर सर्जरी, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्या यहाँ पे प्रायोरिटी में रख के चलना है। टेम्परेचर भी यहाँ पे मॉनिटर करना जरूरी है आफ्टर सर्जिकल साइड, जो इन्फेक्शन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर, बट यहाँ पे प्रायोरिटी आपको पूछा है, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर आपसे पूछा है, आंसर शुड बी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ओनली यूरिन आउटपुट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 64 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट विथ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम इंक्लूडिंग हाइपर टेंशन एंड एंजाइना इज टू बी शेड्यूल्ड फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन। एक 64 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको हिस्ट्री रही है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स की, क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको, एक तो हाइपर टेंशन था, दूसरा उसको एंजाइना था, अभी वो किसके लिए शेड्यूल किया गया है, कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। ड्यूरिंग प्री कार्डियक कैथेटराइजेशन टीचिंग नर्स चेरी should inform the client that the primary purpose of the procedure is, अब आपको नर्स, कोई चेरी नर्स है, ठीक है, जिसका नाम चेरी है, तो उसका यहाँ पे प्राइमरी पर्पज क्या बताएगी वो हेल्थ टीचिंग के अंदर या फिर प्रोसीजर से होने वाली टीचिंग के लिए क्या बताएगी, कि जो कैथेटराइजेशन आपको कर आपको किया जा रहा है इसका जो मेजर रीजन क्या है, मेजर इसका पर्पज क्या है, आपके बॉडी में क्या यहाँ पे पर्पजफुल थिंग होगी ऐसी। देखिए, टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ CSD, टू विजुअलाइज द डिजीज प्रोसेस इन द कोरोनरी आर्टरीज, टू ऑब्टेन द हार्ट चैम्बर प्रेशर, टू मेजर ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ डिफरेंट हार्ट चैम्बर्स। तो कार्डिक कैथेटराइजेशन यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, तो देखिए क्लाइंट को क्या है यहाँ पे, एंजाइना है। अब एंजाइना क्यों हो रहा है यहाँ पे, एंजाइना हो रहा है नेरो आर्टरीज की वजह से, ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। अब ये प्रॉब्लम होगी किसमें, एंजाइना मेजरली कौन सी प्रॉब्लम में देखने को मिलता है, तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर। तो कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है वही है, तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या किया जा रहा है, कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जा रहा है। तो क्या टीचिंग देंगे हम यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, टू विजुअलाइज द डिजीज प्रोसेस इन द कोरोनरी आर्टरीज। यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज की स्टडी की जाएगी, उनका असेसमेंट किया जाएगा, उनके ल्यूमन्स को देखा जाएगा, कितना वो डायमीटर है उनकी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, नेरो तो नहीं है, अगर नेरो है तो कितनी नेरो है, ठीक है। लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन अगर किया जाता है कॉमनली, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी ऑप्शन नंबर ए
सी और डी यहाँ पे जो है हम एक्सक्लूड कर सकते हैं आराम से हार्ट चैम्बर वगैरह को, ठीक है, एग्जिस्टेंस सीएसडी को और ऑक्सीजन कंटेंट को, हार्ट चैम्बर में कितना जा रहा है इससे यहाँ पे पता नहीं लगेगा। तो ये केवल स्टडी किसकी है, कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमन्स के बारे में जो है पता लगेगा कार्डियक कैथेटराइजेशन से। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेवरल आवर्स आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन इट वुड बी मोस्ट असेंशियल फॉर नर्स चेरी टू, ठीक है, अभी जो नर्स चेरी है वो वापस से कार्डियक कैथेटराइजेशन पेशेंट की केयर कर रही है, बट यहाँ पर क्या है कुछ घंटे हो चुके हैं कैथेटराइजेशन होने के, तो यहाँ पर मोस्ट असेंशियल वर्क क्या रहेगा, एलिवेट द क्लाइंट्स बेड एट 45 डिग्री, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ एवरी 2 आवरली, फ्रीक्वेंट मॉनिटर द क्लाइंट्स एपिकल पल्स एंड ब्लड प्रेशर, या फिर मॉनिटर क्लाइंट्स टेम्परेचर एवरी आवर। तो देखिए आफ्टर द प्रोसीजर नर्सेज के कुछ रोल होते हैं यहाँ पे कैथेटराइजेशन के मोस्ट कॉमनली, तो देखो क्या रोल होता है, एक तो क्या करना है आपको मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, दूसरा आपको क्या देखना है एपिकल पल्स को असेस करना है, तीसरा आपको क्या करना है हेमरेज को असेस करना है, चौथा आपको क्या करना है जहां से लोकेशन से हमें कैथेटराइजेशन किया गया है उस लोकेशन से जो डिस्टल मोस्ट पल्स है उसका असेसमेंट करना। ठीक है, तो अपना बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रिक्वेंटली मॉनिटर द क्लाइंट्स एपिकल पल्स एंड ब्लड प्रेशर। अभी अगर क्लाइंट में कोई किसी प्रकार का हेमरेज अगर हो रहा है तो वो क्लाइंट किस में जाएगा, शॉक में जाएगा, तो ब्लड प्रेशर गिरेगा उसका फॉर श्योर गिरेगा। ठीक है, तो एपिकल पल्स शॉक वाली कंडीशन में हाइपोवोलेमिया में क्या होगा बढ़ेगा, तो हमें जो है आइडिया लग जाएगा कि वो क्लाइंट क्या है शॉक में जा रहा है। दूसरा डिजिटल मोस्ट पल्स को यहाँ पे एक्सेस करना है, पल्स मिल रही है नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो फिर एससीबी को इन्फॉर्म करना है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो हेड को एलिवेट बिल्कुल नहीं करना है इस कंडीशन में, कुछ टाइम तक यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे क्या कौन सी पोजीशन में रखते हैं, लाइंग फ्लैट पोजिशन में उसको जो है नॉर्मली सुपाइन पोजिशन में लेटा के रखेंगे, हेड एलिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उस पर अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है ऐसा कुछ, बट हो सकता है उसको फीमोरल कैथेटराइजेशन किया गया हो कार्डियक के अंदर, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाया गया उसको, तो बट हेड एलिवेशन करोगे प्रेशर पड़ेगा ग्रोइन रीजन के अंदर, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, तो हेड एलिवेशन यहाँ पे नहीं करना है। कितने टाइम ड्यूरेशन तक नहीं करना है, तो 6 to 7 आवर्स तक जो है हेड एलिवेशन हम जनरली नहीं करवाते हैं क्लाइंट पे। तो जब तक क्लाइंट का स्टेटस जो है हीमोडायनेमिक जो है यहाँ पे नॉर्मल नहीं रहता है तब तक उसको जो है ज़्यादा मूवमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं करवाएंगे और असेसमेंट का हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, कैट हु हैज अंडरगोन मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट, एक पेशेंट है कैट जिसको अभी क्या होना है मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट होना है, सडनली एक्सपीरियंस कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्जिकल इंसिजन, अभी उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, हु इज अंडरगोन यहाँ पे जिसको क्या मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, सडनली एक्सपीरियंस किया उसने क्या कि कंटिन्यूस वहाँ पे जो है ब्लीडिंग देखने को मिल रही है सर्जिकल इंसिजन से ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, एक कैट नाम से एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है मिट्रल वॉल का रिप्लेसमेंट हुआ है और अभी वो एक्सपीरियंस कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या कि सर्जिकल इन्फेक्शन से जो है कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। Which of the following pharmaceutical agent should nurse Aja prepare to administer to cat? अब यहाँ पर जो कौन सा pharmaceutical agent है जिसे nurse Aja जो है यहाँ पर prepare करेगी administration के लिए किसको cat को, protamine sulfate, quinidine sulfate, vitamin देगी या फिर comedine देगी यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पर जो है जब ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है तो इस कंडीशन में हम उसको पेशेंट को क्या देते हैं एंटीकोगुलेशन। तो ड्यूरिंग सर्जरी ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेशन सेफ माना जाता है, तो आंसर क्या रहेगा हीपेरिन।
ठीक है, हिपेरिन यहाँ पे सेफ माना जाता है। वारफेरिन तो हम होल्ड करवाते हैं, बट हिपेरिन को हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हिपेरिन के लिए एंटीडोट यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो हिपेरिन इंड्यूस एंटी कोगुलेशन चल रहा था उसको ओवरकम कौन करेगा? यहाँ पे प्रोटामाइन सल्फेट। इसलिए यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर वन। तो क्विनिडिन सल्फेट ये किसको करेगा? ये जो आपकी इररेगुलर हार्ट बीट्स आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एट्रियल फिब्रिलेशन, इसको ट्रीट करने में काम आता है। ये यहाँ पे जो है ब्लीडिंग वगैरह को काम में नहीं आएगा। ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह कम नहीं करेगा। जो अब नॉर्मल हार्ट बीट आ रही है ओपन मिटल वॉल रिप्लेसमेंट के बाद में, तब हम भले इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी वाइटामिन का यहाँ पे कोई स्पेशली कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोमेडिन जो है यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स को यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि ट्रीट करती है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ प्रिवेंट न्यू क्लॉट्स। ठीक है, यहाँ पे जो क्लॉट्स है बनने में प्रिवेंट करती है। ठीक है, कॉमेडिन जनरली। ठीक है, तो जो हार्मफुल क्लॉट्स है वगैरह जो जिससे रिस्क बढ़ सकती है स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की, तो उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। बट ऐसा कुछ आपको पूछा नहीं है, आपसे पूछा है कि कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है इंसीजन से, सर्जिकल इंसीजन से हो रही है, तो बस उसका मतलब क्या है? हिपेरिन दिया था अंदर ड्यूरिंग, क्योंकि वॉल रिप्लेसमेंट जब थेरेपी चल रही होती है तो उसको यहाँ पे ब्लड थिनर दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे हिपेरिन दिया था। अब यहाँ पे हिपेरिन ज़्यादा हो गया तो जिसकी वजह से जो है या ज़्यादा हो गया या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो कम करने के लिए प्रोटामाइन सल्फेट यहाँ पे यूज में लिया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एंडोकार्डाइटिस गुड डेंटल केयर इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर। देखिए क्या है, एक एंडोकार्डाइटिस की रिस्क को कम करना है तो जिसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छी डेंटल केयर होना जरूरी है। टू प्रमोट डेंटल केयर इन क्लाइंट विथ एंडोकार्डाइटिस इन ए टीचिंग प्लान शुड इंक्लूड प्रॉपर यूज ऑफ। अब आपको क्या करना है, एक टीचिंग प्लान यहाँ पे बनाया जा रहा है कि आपको किसी एक चीज़ का यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर यूज करना है, जिससे क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके डेंटल केयर को। और किन पेशेंट में? एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट में, स्टेफेलोकोकस ओरियस से प्रिवेंशन करने के लिए। ठीक है, तो किसका यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे इंक्लूड करना होगा? डेंटल फ्लॉस को, इलेक्ट्रिक टूथब्रश को, मैनुअल टूथब्रश को, या फिर इरिगेशन डिवाइस को। तो देखिए जो एंडोकार्डाइटिस यहाँ पे हुआ क्यों है, डेंटल अगर किसी का डेंटल हाइजीन अच्छा नहीं है तो वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस क्यों हुआ है? तो इस रीजन से हो सकता है। तो जब वहाँ पे वो ब्रश करेगा, जब डेंटल हाइजीन सपोज 10 दिन नहीं किया उसने, जब फिर वो 11th डे करेगा, तो वहाँ पर फॉर श्योर की कुछ अमाउंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और वहीं पे आपके जो नॉर्मल फ्लोराज वगैरह अगर यहाँ पे कुछ मिला, ठीक है, स्टेफेलोकोकस ओरियस वहाँ पे अगर मिल गया, तो वो कहाँ जाएगा? सीधा सीधा जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है, हार्ट के अंदर जाएगा, और वो क्या कोच कराएगा? एंडोकार्डाइटिस। तो आपको जो है ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना है। तो ब्लीडिंग से प्रिवेंट कैसे करोगे? मैनुअल टूथपेस्ट के रिगार्डिंग उसको जो है टीचिंग बताएंगे कि भाई कैसे उसको टूथ यूज में लेना है। बाकी देखिए डेंटल फ्लोज, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश और इरिगेशन डिवाइस से क्या हो सकता है, यहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, मैनुअल टूथब्रश को यूज में लेना है। उसको अच्छे से उसको टीच करेंगे भाई इतना ही, यहाँ पे जो है एग्रेसिवली नहीं उसको रब करना है टूथ को वगैरह को। ठीक है, गम्स गम्स के ऊपर लग के जो है वहाँ पे चोट लग के जो है ब्लीडिंग हो सकती है, एब्रेशन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, फिर वापस से प्रॉब्लम हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, एगस्टेफालोकोकस विरिडिन्स वगैरह वो भी यहाँ पे कोच करवाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉजिटिव फैक्टर्स है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा? एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो क्या करना है, मैनुअल टूथब्रश के रिगार्डिंग उसको टीचिंग प्लान देना होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आए हो, और क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। साथ में ही अगर आप कुछ न्यू हो हमारे एक चैनल पे पहली बार आए हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ताकि केवल ना केवल आपको हमारे इन वीडियोज़ का फ़ायदा होगा, बल्कि हमारे कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन होती है। हम सब यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डालते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। ठीक, काफ़ी आपको हेल्प रहेगी।
इस चैनल से। इसी के अलावा टेस्ट सीरीज के बारे में वापस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि RNCC की ओर से जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाई गई है उनको आप यहाँ पे RNCC के ऑफिशियल ऐप पे आप जाके देख सकते हो, उनको एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे हमारे सपोर्टिव नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल और मैसेज आप 24/7 आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है इंस्टेंट आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।